हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला आई एम सोनू दोस्तों इट्स इयर्स ऑफ बाहुबली टू का फोर्थ एनिवर्सरी है बर्थडे आप कह सकते हो हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी बर्थडे ट्वेंटी अप्रैल ट्वेंटी अप्रैल एप्रैल अट्ठाईस अप्रैल 2017 को रिलीज हुआ था बाहुबली टू द कंक्लूजन वॉड अ फिल्म दोस्तों वॉड अ फिल्म मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था मैं जैम पैक्ट नॉट इवन अलट वॉज दोस्तों पावर ऑफ दिसुबली एंडर ऑफ प्रभाग टू मी मेड प्रभाज होल्ड नेम इथ इंडिया क्योंकि बाहुबली जो वन था उससे प्रभास ऑलरेडी पॉपुलर हुआ था लेकिन सीमेंटिंग हिस प्लेस एज अ हाउस होल्ड नेम दैट है आज भी जब मैं बाहुबली टू रिविजिट करता हूं ना मैं वो मेरे जो फेवरेट सीन्स है ना वो मैं रिविजिट करता हूँ और इस वीडियो में भी मैं वो फेवरेट सीन्स आपके साथ डिस्कस करूंगा सबसे पहला माई सबसे पहला माई मोस्ट फेवरेट सीन इन द फिल्म और ये शायद बहुत सारे लोगों का मेजोरिटी का फेवरेट सीन होगा इट्स दैट सीन वेयर प्रभा सडनली अपियर इन साइड द राजमहल टू सेव अनुष्का वॉड अ सीन दोस्तों वॉड अ टेरिफिक सीन दिस इज द मैजिक ऑफ राजमौली साहब क्या सीन उन्होंने बनाया क्या सीन उन्होंने सोचा उसको लिखा गया स्क्रीन प्ले में तब्दील किया और शूट किया डायरेक्ट किया अ ब्रिलियंट सीन वो जब प्रभास उड़ी मारता है धनुष उनके हाथ में और तीन तीर एक साथ जब छोड़ता है शत्रुओं को मार गिराता है एंड देन ऑल ऑफ सडन अनुष्का रियलाइज प्रभास वो मंदबुद्धि नहीं है यार ही इज अ वॉरियर एंड द वे अनुष्का लुक्स एट प्रभा अ मोमेंट और उसके बाद प्रभास तीर मारते जाता है मारते जाते हैं शत्रु को जाते हैं है, और फिर टर्न मारता है 360 डिग्री टर्न मार के, अबाउट टर्न मार के अनुष्का की तरफ जब देखता है मोमेंट दैट इज व्हेन मैजिक यार क्या लुक है प्रभास लुकिंग अनुष्का सो 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 ब्यूटिफुल और उसके बाद जब वो तीर चलाता है प्रभास वो तीन तीर वापस चलाता है बट आप फिजिक्स देखो एक तीर तीन तीनों तीर ऐसे सीधा चलाता है, है अनुका के के और, और दूसरा तीर यहां से मतलब ग्रेजिंग एंड ग्लेजिंग हर इयर रिंग्स और तब अनुष्का का वो लुक प्यार भरी नजरों से निगाहों से जिस तरह से वो प्रभास को देखती है वाह You you will fall in love with Anushka hook line and sinker with that look brilliant absolutely brilliant और वो तीर कहा जाके से शत्रु को लगता है बड़ा मूवमेंट माई माई मोस्ट फेवरेट मूवमेंट आज भी मैं जब बाहुबली टू देखता हूं ना मैं ये मूवमेंट सबसे पहला रिविजिट करता हूं उसके बाद वो जो जब पिंडारी अटैक करता है वो सीन जब फाइनली वो रिवील करता है ही इज नॉट नॉट अ मंदबुद्धि और वो जिस तरह से वो यू नो किक मारता है वो आदमी को यू नो अदर गाय दैट लंबू उफ दैट सीन आल्सो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट फ्रॉम दिस फिल्म बाहुबली और उसके बाद वो स्पोर्ट लेके जिस तरह से माता शत्रुओं का झुप 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 और फिर जब देवसेना और वो साथ में उतरता है इन द बैटल फील्ड वो जब बुल चार्ज करता तरह से वो बुल को हटाता है बाहुबली इनफैक्ट दैट रेवल्यूशन वेन देवसेना टेक्स दैट फ्लेमिंग टॉर्च एंड यू नो स्मैश इट ऑन प्रभाज और वो आर्मर ऐसे आता है yeah. प्रभास रिवीलिंग हिमसेल्फ बड़ा मूवमेंट और उसके पहले उसके पहले वो जब मंदबुद्धि बनके वो सुअर उअर का जब हंटिंग वंटिंग बैठ जाता है ऑल दोज मोमेंट्स आर सो मच फन बट उफ नथिंग बीट्स प्रभास सेविंग अनुष्का वाला सीन सुपर मोमेंट था दोस्तों इसके अलावा फिर प्रभास अनुष्का दोनों साथ में उनका शादी होने के बाद वो जो नाव पे वो चल के जाती है ना जब वो एक छोटा सा जो ब्रिज जब टूटता है शी यू नो प्लेसेस हर फीट वन आफ्टर द अदर ऑन प्रभा शोल्डर एंड वॉक्स इन टू द शिप वोमेंट सो मेनी मोमेंट टू रिविजिट फिर उसके बाद जब प्रभाव इन द कोट रूमो एंड दैट मोमेंट वेनी स्लाइसिस हेड ऑफ अलन क्या सर को धड़ से अलग कर देता है यारैक विद वन वन स्लैश ब्रिलियंट एप्सोल्यूटली ब्रिलियंट और उसके बाद वो

एज बोथ एज लवर एंड यू नो द रेस्कूटिंग एल्स इट जस्ट इट जस्ट यू नो कैप एंड बुकअर तो ये मेरा फेवरेट सीन्स है दोस्तों आज भी मैं ये सीन्स को रिविजिट करता हूं जब मैं बाहुबली टू देखता हूं तो आपका फेवरेट सीन्स कौन सा है ये सारी फिल्मों से ये इन सारे सीन्स में से लिख कर जरूर बताइएगा आपका कौन सा दूसरा कोई फेवरेट सीन है जो मैंने मैंशन नहीं किया वो भी आप लिख कर बताइएगा चलिए फॉर द मोमेंट 打打。多多